आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जैसे ही कोई परीक्षा हो गई उस परीक्षा के पोर्शन में सिलेबस में जो भी था खत्म होते ही आप उस सब कुछ को भूल गए ऐसा क्यों होता है एग्जाम के बाद हमारा हार्ड ड्राइव साफ क्यों हो जाता है जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए नमस्कार मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में बहुत ही मशहूर मनोवैज्ञानिक कर्ट लेविन एक समय किसी कैफे में बैठे थे और उन्होंने देखा कि कैफ़े में जो वेटर्स है उन्हें कोई भी ऑर्डर बस तब तक ही याद रहता है जब तक कि वो ऑर्डर डिलीवर नहीं होता जैसे ही वो ऑर्डर कस्टमर को दे दिया गया है वैसे ही वेटर ऑर्डर के बारे में सब कुछ भूल जाता है ऑर्डर में क्या था उसे याद ही नहीं रहता कर्ट लेवन को लगा ऐसा क्यों होता है उनके साथ काम करती थी बुलमा जायगरनिक जयगरनिक ने इस पे एक शोध शुरू किया उन्होंने लोगों को कुछ ऐसे शब्द याद करने के लिए कहा जिन शब्दों के ऊपर उनको कोई काम करना था जैसे ही काम हो जाता था उन्हें उस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी याद नहीं रहता था वो सारे शब्द वो भूल जाते थे इसे कहते हैं जाइगर्निक इफेक्ट जैसे ही कोई काम समाप्त हो जाता है उस काम से जुड़ा हुआ सब कुछ हम भूल जाते हैं इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि जब भी आपने कोई बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर ली है थोड़ी देर तक आपको बहुत अच्छा लगता है लेकिन बहुत ही जल्द आप उस सब कुछ को भूल जाते हैं जब आप टेंशन में आते हैं जब आपको खुद को लेके सेल्फ डाउट होता है तब आपको अपनी कोई भी अचीवमेंट याद ही नहीं आती आपको बस अपने इनकम्प्लीट काम ही याद आते हैं जब हम सोने जाते हैं तब भी तो ये हमारे साथ होता है जाइगरनिक इफेक्ट सारे दिन हमने जो जो काम कर लिए है उसमें से कोई भी काम हमें आसानी से याद ही नहीं आता लेकिन जो काम नहीं किए हैं अरे फ़ोन कॉल करना था मौसी जी को याद आ गया अभी अभी तो फ़ोन कॉल नहीं कर सकते अरे टेस्ट के लिए पढ़ना था ओ माय गॉड याद आ गया कल सुबह जल्दी जल्दी उठ के पढ़ना पड़ेगा मुझे याद ही नहीं रहा लेकिन वो सारी चीज़ें जो हमने की है उसे हम आसानी से भूल जाते हैं क्योंकि जो चीज़ें इनकम्प्लीट है वो हमें याद रहती है हम मन ही मन गिल्टी फ़ील करना शुरू कर देते हैं हमें लगता है हम कितने लल्लू है कितने बुद्धू है हमें कुछ याद ही नहीं रहता लेकिन ये इंसान के मस्तिष्क का काम करने का तरीका है जब इंसान का मस्तिष्क डेवलप हो रहा था तब एवोल्यूशन के दौरान उसके पास पेपर पेंसिल्स या आज के जैसे टू डू लिस्ट्स मोबाइल फ़ोन पे नहीं थे तो इसलिए कोई भी काम अगर इनकम्प्लीट है तो उसे दिमाग में दोहराते रहने में मतलब बनता था लेकिन कोई भी काम अगर हो चुका है तो उसे दोहराते रहने में कोई मतलब नहीं बनता था इसीलिए हम कम्प्लीटेड काम भूल जाते हैं कम्प्लीटेड पढ़ाई भूल जाते हैं जो एग्ज़ाम हो गई है उससे रिलेटेड सिलेबस का सब कुछ भूल जाते हैं अगर आप जयगर्निक इफ़ेक्ट को अच्छे से समझ रहे हैं तो इसका फ़ायदा आप अपनी पढ़ाई में भी ले सकते हैं देखिए जो चीज़ आप भूल गए हैं वो ऐसा नहीं है कि वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी से साफ हो गई है वो दिमाग में है बस मस्तिष्क अभी आसानी से उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा वहाँ तक नहीं जा पाएगा इसलिए आपको करना ये चाहिए कभी भी किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में काट दीजिए जैसे जैसे आप उसे छोटे हिस्सों में काट देंगे छोटे काम को शुरू करना आसान हो जाता है जैसे जैसे छोटा काम हो जाएगा आपके दिमाग से वो निकलता जाएगा और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेटल हो जाएगा आपके ध्यान में वो सारा काम रहेगा वो सारा पोर्शन रहेगा जो आपने नहीं पढ़ा है आपने नहीं किया है वो छोटे छोटे हिस्से जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है उन्हें आप रिपीट करेंगे एक के बाद एक के बाद एक कंप्लीट करेंगे और फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा देखिए एक चीज़ याद रखिए डाइगर्निक इफ़ेक्ट से अगर बचना है तो आपने जो भी काम किया है उसे लिख के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने टू डू लिस्ट में जाके झाँक के देखें कि कितने काम आपने कंप्लीट कर लिए हैं आपको खुद को लेके बहुत अच्छा महसूस होगा क्या आपने सोचा है कि जयगर्निक इफ़ेक्ट प्रेम संबंधों में भी काम करता है कैसे जैसे आप अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से दोस्ती करते हैं लेकिन वो इंसान जो आपको नहीं पसंद करता उसे आप हमेशा याद रखेंगे वो इंसान जिसने आपका दिल तोड़ दिया उसे आप हमेशा याद रखेंगे आपने कितने लोगों का दिल तोड़ दिया उसे आप जल्दी भूल जाएंगे जिन लोगों को आपने हासिल कर लिया था जिनका प्यार अटेंशन आपने हासिल कर लिया था वो आपके लिस्ट से टिक मार्क हो गए और लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले गए लेकिन जहाँ पे भी रिलेशनशिप कंप्लीट नहीं हो पाया या आपको क्लोजर नहीं मिल पाया वो सारी चीज़ें रह रह के याद आती है अपने आप को ज़ाय करने के फैक्ट के बारे में अच्छे से समझाइए और अपने फोकस को अपने कंप्लीशन पे लाइए आशा करते हैं ये वीडियो आपको काम का लगा होगा आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद